पैकिंग कर रहा हूँ, देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले इसमें दो वायर है, यूज़र मैनुअल का एक बुक है और यहाँ पर एक प्रोडक्ट का वारंटी कार्ड है, आप देख रहे हैं। इसके साथ एक पावर केबल भी है। डीसी पावर सप्लाई AKT का मॉडल आप देख रहे हैं यहाँ पर, 3010SDW करके है। इसमें तो तीन पॉइंट दिया हुआ है, ग्राउंड प्लस माइनस, एक करंट सेट करने के लिए दिया हुआ है रेगुलेटर, एक वोल्टेज पावर बटन यहाँ पर है और एक USB है। इसके जस्ट बैक साइड में आप देख सकते हैं मॉडल नंबर। इसके बाद यहाँ पर इनपुट है और आउटपुट, ये 10 एम्पियर 30 वोल्ट का DC पावर सप्लाई है। तो जरा इसको एक बार ऑन करके भी देखते हैं। ब्लैक वाले वायर को हमने ब्लैक पॉइंट पर लगा दिया है, रेड वाले को रेड पर लगा दिया है। इस वॉल्यूम को मैं अभी जस्ट जीरो कर रहा हूँ। पावर केबल हो गया। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए नॉर्मल, अंदर अगर कंटिन्यू हम वर्क कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए करके एक जो है एडजस्टर भी दिया हुआ है, फैन लगा हुआ है। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ पावर से। ये पावर बटन ऑन है, यहाँ से पावर आपका ऑन होता है, ठीक है। और वोल्टेज यहां से हम सेट करेंगे, ये लास्ट कहां तक जाता है। वोल्टेज जबकि 30 वोल्ट का है, तो थोड़ा नॉर्मल फ्लक्चुएशन रहता है इसमें, ठीक है। ये हो गया। इसे किसी भी तरह के मदरबोर्ड, स्मार्टफोन हो या नॉर्मल फोन हो, आईफोन हो, किसी तरह के बोर्ड पर हम काम कर सकते हैं। काफी हैवी है,